भाई क्लास 10th SST, जैसे आप लोग जो होता है सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट मानते हो याद करने के मुकाबले में, कि सर सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, साइंस याद हो जाती है, इंग्लिश याद हो जाती है, हिंदी याद हो जाती है, लेकिन सर SST नहीं समझ में आती, SST के चैप्टर्स नहीं समझ में आते। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले कि आप क्लास 10th SST को कैसे हैक कर सकते हो, जो आपके 40-50-60% आ रहे हैं मार्क्स, उसे आप कैसे बढ़ा के 95% पे ले जा सकते हो। तो चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो को, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। तो भाई क्लास 10th SST को हैक करने के लिए क्या चाहिए, कि भैया 40% जो हमारे आ रहे हैं, 50% जो हमारे आ रहे हैं मार्क्स, देखो अच्छे से अच्छा बच्चा हो लेकिन SST में थोड़े बहुत नीचे के मार्क्स आते हैं, क्यों? क्योंकि सर SST समझ में नहीं आती है, SST की कहानी इधर बैठ नहीं पाती। तो 40% से हमें 95% जो हमारी डेडलाइन है हम उसे कैसे करके फोड़ना है। देखो सबसे पहले अगर आपको अपनी गलतियां पता होंगी तो आप उसको नहीं करोगे, आप गलतियां नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिकली 40 से आप जो होता है 80 पे आ जाओगे, 80 से 95 पे पहुंचना कैसे ये मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले जरा गलतियां बताता हूं आपको, मिस्टेक क्या है, स्टिकिंग टू अ रिजिड जोन। अब ये क्या है सर, रिजिड जोन का मतलब क्या होता है, ये मतलब भाई अब तुमने एक जो होता है कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक चैप्टर तुमने पढ़ लिया एक टीचर से, अब उसने जैसे तुम्हें पढ़ा दिया बस तुम उसी पे अटके हो कि भैया ऐसे ही हमने पढ़ लिया, अब कोई अगर उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन तुम्हारी नहीं समझना सर हमने तो उन्हीं से पढ़ना है ना। देखो जो SST है वो आपका ओवरऑल एक अकुमुलेशन है सारे के सारे फैक्ट्स का। मैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़ाने लग जाऊं कि भैया NCERT में ये लिखा, NCERT में वो लिखा, NCERT में ऐसा, NCERT में वैसा, मज़ा नहीं आएगा, तुम्हें ना याद होगा, ना तुम्हारी लाइफ पे उसका कोई इम्पैक्ट होगा, ना ही तुम्हारे पेपर में उसका कोई इम्पैक्ट होगा। अगर मैं जो होता है SST पढ़ा रहा हूँ तो मैं आसपास की चीज़ें भी जोड़ूंगा, मैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड ऑन करूँगा जिससे कि तुम्हें ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए। दूसरा कि भैया तुम कोशिश करते हो कि भैया हम ही टीचर हैं, हम ही सब कुछ है, तुम डायरेक्ट NCERT पहुंच जाते हो, NCERT तुम्हें उठा के पटक देती है, क्योंकि NCERT SST की हो, साइंस की हो, किसी की हो, आप अपने आप उसे डायरेक्टली अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते हो, आप कोशिश करते हो उसको पढ़ने की, आपकी समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है कि भैया फैक्ट्स अलग 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 बिखरे हुए हैं, कोई एक लाइन में आ ही नहीं रहे, कोई एक स्टोरी लाइन बनी नहीं रही है, जब स्टोरी लाइन नहीं बनेगी फैक्ट ज़रा नहीं घुसेंगे तो आपका फिर पेपर में कुछ नहीं याद रहेगा। अच्छा वो किसी भी गरीबल्दी किधर था, जो मिजानी ने क्या करा था, गांधी जी ने क्या करा था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, सॉल्ट मार्च कब हुआ था, नेशनलिज्म इन इंडिया कब हुआ था, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में जो होता है रिसोर्स प्लानिंग कैसे करना है, एलेवल सॉइल के क्या फीचर है, माउंटेन सॉइल के क्या फीचर है, याद है तुम्हें? नहीं सर नहीं याद है। पावर शेयरिंग में जो होता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पावर शेयरिंग, और जो होता है इसके अंदर आपका डिवीजन ऑफ पावर, आपका जो होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेजोरिटीनिज्म, श्रीलंका का केस, बेल्जियम का केस, ये तुम्हें याद है? नहीं सर नहीं याद है। क्यों नहीं याद है भाई? सर क्योंकि फैक्ट्स अलग अलग पड़े हुए हैं। डेवलपमेंट में जो होता है UNDP की रिपोर्ट, HDR रिपोर्ट जो होता है, आपका लिटरेसी रेट, आपका बर्थ रेट, आपका डेथ रेट, ये आपको पता है? डेवलपमेंटल गोल्स आपको याद हैं क्या? सर याद हैं लेकिन अलग अलग कोई एक स्टोरी लाइन नहीं जोड़ रही है। क्यों? क्योंकि तुम NCERT पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। जो टीचर तुम्हें अगर पढ़ा रहे हैं वो भी ये कोशिश करते हैं भैया मैं NCERT पढ़ा दूँ, हो गया मेरा तो काम हो गया भाई, मेरी सैलरी तय हो गई, मैं NCERT पढ़ा के निकल गया। तुम्हारे फैक्ट्स अलग अलग बिखरे ही रहते हैं, वो एक टूटा हुआ टुकड़ा उधर पड़ा है, एक टूटा हुआ टुकड़ा उधर पड़ा है, उसे जोड़ोगे कैसे ये तुम्हें पता ही नहीं है। तो अगर तुम डायरेक्ट NCERT कोशिश करते हो तो तुम्हारे फैक्ट्स बिखर जाएंगे, फैक्ट्स को जोड़ के चलना है, हमें एक स्टोरी बना के चलना है। अगर आप मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, देखो भाई साहब तुम्हारी क्लास 10th SST के अंदर ही अंदर सिर्फ हिस्ट्री के पोर्शन में ही 150 से ज़्यादा डेट्स हैं, अगर हम पूरे ओवरऑल जाएँ तो 400 से ज़्यादा तुम्हारी डेफिनेशंस हैं। मेमोराइज कर लेना इसको, मेमोराइज करके याद रह जाए वो अलग की बात है, तुम्हारे पेपर में अगर तुम लिख पाओ इसको, मेमोराइज तो कर लोगे लेकिन पेपर में नहीं लिख पाओगे क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ा होता है, वैसी बैंड बज जाती है। तो स्टोरी जब तक नहीं बनेगी तो काम बनना नहीं है। आप एक बार पढ़ लिया है सर SST तो है, इधर स्टोरी बन गई, हो गया हमारा सर काम, हमें रिवाइज ही नहीं करना है। तो जब आप रिवाइज नहीं करोगे तो भाई आपसे नहीं होने वाला है। अब मेन बात करते हैं कि जनाब आपको करना क्या है, जो आपका जो होता है जो 40% पे आप बैठे हो, पोर्ट के आप सीधा 95% पे पहुंच जाओ। तो जनाब अगर आप ये 5-step method फॉलो करते हैं और ये RTR method फॉलो करते हैं तो आप जो होता है अपना बाकी बचा हुआ जो आप 80% पर पहुंच गए हैं वो आप 95% पर लेके जा सकते हैं। सबसे पहले है मेक इट अ स्टोरी, जैसे मैंने कहा फैक्ट्स बिखरे नहीं होने चाहिए, एक लाइन में होने चाहिए। कैसे होंगे सर? कैसे होंगे अभी बताता हूँ। दूसरा NCERT की जगह आपको नोट्स प्रेफर करने हैं। सर ये नोट्स किसके प्रेफर करने हैं? कुछ हमारे सो कॉल्ड क्रिएटर्स ने नोट्स बना रखे हैं, वो भी प्योर NCERT है जनाब, NCERT छापी है बस, कुछ नहीं करा, उनकी अपनी कोई मेहनत नहीं है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये मैंने नोट्स बनाए हैं, पढ़ाई मजा के नोट्स हैं नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर के।
अब जनाब इसके अंदर एनसीईआरटी तो तुम्हें देखने को मिल रही है, ठीक है, एनसीईआरटी देखने को मिलेगी, सो कॉल्ड पूरी एनसीईआरटी है इसके अंदर, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत हैं। देखो जैसे कि जो होता है, मैंने बहुत डिटेलिंग करी है जिससे तुम्हारा एक फैक्ट बने कि जलियांवाला बाग मैसेकर में 20,000 लोगों की भीड़ थी, 90 सोल्जर थे। अब देखो उसके बाद में हर चीज़ का मैंने डिटेल एनालाइजेशन कराया कि भैया कैसे करके क्या करना है। और इसके अलावा देखो भाई 90 सोल्जर्स, 2 आर्मर कार्स इक्विप्ड विद ऑल सारा आर्मरी और जितने भी 2 टैंक, ये सारी मैंने जो होता है काफ़ी ज़्यादा डिटेल स्टोरीज बनाई हैं एनसीईआरटी के अंदर। ये पूरे नोट्स तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं फैक्ट्स बिखर रहे हैं, बिखर नहीं रहे हैं, ये पूरे एक फ्लो में नोट्स हैं बने हुए। एनसीईआरटी बिखरी हुई है, ये नोट्स मैंने उसको फ्लो में कर दिया है पूरी अच्छी तरीके से। तो पढ़ाई मजा के तुम्हें नोट्स फॉलो करने हैं, और बाकी जो बच्ची कुछ स्टोरी है ना, वो जब मैं नोट्स को एक्सप्लेन करूँगा, इन्हीं नोट्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो तुम्हारी बाकी बच्ची कुछ स्टोरी एकदम इधर सेट हो जाएगी। उसके बाद में आपको टाइम देना है, आपका सोचते हो आज मैंने चैप्टर पढ़ा कल मैं जाके एकदम छाप लिया हूँ चैप्टर, नहीं कर सकते, आपको टाइम देना पड़ेगा चैप्टर को। बार बार चीज़ें जब गुजरेंगी धीरे 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 एब्जॉर्ब होती हैं। आपको एक मेथड फॉलो करना है, RTR मेथड, रिवाइज टेल रिवाइज। ये क्या मेथड है सर? RTR मेथड क्या है? RTR मेथड मैं बताता हूँ, आपको रिवाइज करना है चैप्टर को, आपके क्लासमेट्स में आपके कुछ दोस्त होंगे, आपको रिवाइज करना है, सब लोग साथ में आकर बैठो, ग्रुप स्टडी करो, रिवाइज करो चैप्टर को। फिर तुम्हारा कोई दोस्त है, उसे बताओ चैप्टर को कि तुमने क्या पढ़ा चैप्टर के अंदर, ये क्या था क्या नहीं था। फिर उससे कहो तुम रिवाइज करो, मैं भी रिवाइज करता हूँ। फिर उससे कहो तो ये तुम मुझे बताओ। तो ये RTR मेथड तुम्हें फॉलो करना है। अगर ये कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें 95% लाने से नहीं रोक सकती। तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन, तुम्हारे अंदर पैशन होना बहुत ज़रूरी है कि तुम 95% ला सको। तुम अगर चाहोगे ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, तुम अगर चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है। तो इन दी कमेंट सेक्शन अपना एक जो होता है चैलेंज में डाल रहा हूँ कि भैया चैलेंज है कि भाई कौन अपनी SST को इम्प्रूव करेगा। तो कौन कौन चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है ज़रा इन दी कमेंट सेक्शन डालो। हर एक बच्चे का मैं नाम नोट करूँगा, और जब फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो भाई साहब आपसे पूछा जाएगा, आप हमारे ही स्टूडेंट हो, पढ़ाई मजा के स्टूडेंट हो, तो फाइनल एग्ज़ाम के बाद में भी हम ही लोग आपका जो होता है इंटरव्यू ले रहे होंगे, जो जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे, दिल से पढ़ाएंगे, आपको दिल से पढ़ना है, दिल से लेके दिल तक का कनेक्शन है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो को हर एक बच्चा लाइक करना, अपने अपने दोस्तों में इसको शेयर करना, और नए आ रहे हो चैनल पर अभी कभी सब्सक्राइब भी कर दो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड।